हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आउट हो चुका है। सभी ने अपने अपने रिज़ल्ट देख लिए हैं। निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिन भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं आगे की राह में काम आने वाली है। कहते हैं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। 2017 में जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तो मेरा भी अनक्वालिफाइड हुआ था। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, 73 मार्क्स पर इस बार मेरा क्वालिफाइड हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको मेरा रिज़ल्ट बता रहा हूँ साइड में, जिसमें क्वालिफाइड बता रहा है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, इससे सीख लें और वापस से तैयारी करें। कहीं ना कहीं बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, समय के साथ पटवारी भी आने वाली है, वापस से कांस्टेबल आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि उनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसका क्या कारण रहा है? कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन इसका बड़ा फैक्टर रहा होगा। सो अभी रिज़ल्ट आने की देरी है, हमने अभी तक मार्क्स नहीं देखे हैं। रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद, तुरंत 4 घंटे बाद, आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट नॉट फाउंड बता रहा था। अफवाह उड़ाई गई कि रिज़ल्ट कैंसिल हो चुका है, निरस्त हो गया है, रद्द हो गया है, घोटाला बताया गया है। तो ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या हुआ था 4 घंटे के बीच में, 5 घंटे के बीच में ऐसा क्या हुआ था। या ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्टेटस पहले कुछ और बता रहा होगा, क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड, और बाद में 4-5 घंटे बाद जो ओपन हुआ और कुछ बता रहा होगा, तो ये देखने वाली बात है। ऐसा क्यों हुआ था 4-5 घंटे? नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अभी तक नहीं आए हैं, ना ही कट ऑफ मार्क्स आए, कितना जाएगा? सिर्फ अभी हमें स्टेटस बताया है कि किसका क्वालिफाइड हुआ है, किसका क्वालिफाइड नहीं हुआ है। सेकेंड फेज़ की तैयारी जिन जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है, वो सेकेंड फेज़ की तैयारी करें, अच्छे से फिज़िकल की तैयारी करें, अपने अपने कैटेगरी के क्राइटेरिया के हिसाब से ही प्रैक्टिस करें, तैयारी करें फिजिकल की, चाहे गोला फेंक हो, लंबी कूद हो या ऊंची कूद हो। रनिंग पे फोकस करें, फीमेल कैटेगरी में भी ध्यान दें, उन्हें अपनी हाइट पर ध्यान देना है। रनिंग का टाइम आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आपको रनिंग करना है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ, एमपीपीएससी हो चाहे एमपी पुलिस हो, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कम समय में कैसे सिलेबस को कवर करना है, कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है। 2022 में जो रिज़ल्ट आया है एमपी पुलिस कांस्टेबल का, इसमें मुझे 73 मार्क्स थे। 5th of February 2022 को मेरा पेपर था सेकेंड शिफ्ट में। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी सिलेक्शन है, वो कमेंट ज़रूर करें ऐसा क्यों हुआ है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अलग तरीके से हुआ है, या हो सकता है कि जो पेपर का लेवल उस दिन का रहा हो बिल्कुल अलग रहा हो, तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक अहम भूमिका निभाती है कॉन्स्टेबल, एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल या कोई सी भी एग्ज़ाम हो। नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो सिलेक्शन होने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। नॉर्मलाइजेशन होना भी अनिवार्य कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो पेपर होते हैं वो एक साथ ना होते हुए जब अलग अलग टाइम में होते हैं, 1 महीने 2 महीने तक चलते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं को पेपर का लेवल हाई मिल जाए, किन्हीं किन्हीं को लो लेवल मिल जाए, तो वहाँ पर फिर लो लेवल वालों को तो फ़ायदा हो जाएगा, हाई लेवल वालों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, कोई भी किसी भी प्रकार से कोई विरोध विरोध नहीं करना है। कोई बोल दे कि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्यों हो रही है, बंद करना चाहिए। अरे क्यों बंद करना चाहिए? आप वो भी तो देखो, जब आप 1-2 महीने पेपर लेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि पेपर का लेवल एक ही बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल अलग बनेगा। पेपर का लेवल एक डाल भी नहीं सकते, वरना बच्चे तो रिव्यू कर करके देख देख के ही पास हो जाए बाद वाले। तो
इसलिए पेपर का पैटर्न चेंज करना पड़ता है उन्हें बार बार, पेपर का लेवल चेंज करना पड़ता है। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, प्रिपरेशन पर ध्यान दें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। जब हमारे अंदर ही कुछ डिफॉल्ट होता है तो हमें ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे मन में या कोई बहकाने वाले हमें बहकाते हैं, जब हमारी तैयारी कमज़ोर होती है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अच्छे से प्रिपरेशन करें, फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करें। अगर आप 1 नंबर से 2 नंबर से इस बार रहे हैं तो कोशिश करें अगली बार ना रहें, कहीं ना कहीं तैयारी में गलतियां हुई हैं। बाकी जो भी रिज़ल्ट का रहेगा, जो भी नॉर्मलाइजेशन का रहेगा, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है अभी। जिनका भी क्वालिफाइड आ गया है वो पहले बता चुका हूँ मैं, फिजिकल पे फोकस्ड करें। बहुत जल्द डेट आने वाली है कब फिजिकल होगा। इसके साथ अगर किसी को भी किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है या कोई और टिप्स लेना चाहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जहाँ पर प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस वगैरह हम डालते रहेंगे। इसके साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।